बीसीसीआई ने मना कर दिया। और कौन कौन से बोर्ड मना करते हैं? आपको भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, बीसीसीआई ने आईसीसी को आगाह कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने बीसीसीआई को अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से मना किया है। हाइब्रिड मॉडल हुआ तो यूएई में भारत के मैचेस हो सकते हैं। भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही है और ये बात अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। भारतीय बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई हम लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं, और आईसीसी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया है कि भारत ने हमें कह दिया कि हम नहीं आ रहे हैं। मैं बिल्कुल इंडियन फैन से बहस करता था कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन हुआ क्या है? देख लिया आपने, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है, बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया भाई साहब कि इंडिया पाकिस्तान अब सच्ची में नहीं आ रहा। हकीकत इस वक्त बाकी ये है कि जब दोनों गवर्नमेंट के बीच में कोई डायलॉग ही नहीं हो रहा, तो फिर कैसे ये मान लिया जाए कि ये मामला सॉल्व हो सकता है? ये इम्पॉसिबिलिटी है। मैंने तो सिर्फ ये देखना कौन कौन से वोट पाकिस्तान के फेवर में बोलेंगे और कौन कौन से बोर्ड आईपीएल के फेवर की वजह से, आईपीएल के प्रेशर की वजह से बीसीसीआई का साथ देंगे। तो फिर भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा और जिस चीज को भी भारत के साथ मैचेस खेलने हैं वो दुबई में आकर खेलेगा, ये होगा। अब पाकिस्तान की स्वाब्दीद है कि पाकिस्तान जो अब तक बातें करता आया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब करने का वक्त आ चुका है। कबूतर की तरह आंखें बंद ना कीजिए, अब खोलिए, क्योंकि जिस बात से डर रहे थे, छुप रहे थे, आंखें बंद कर रहे थे, वो हो गया कि भारत ने इनकार कर दिया पाकिस्तान आने में ऑफिशियली, कि हमें अब इसी तरीके से यूएई जाना पड़ेगा। तो ऐसे इवेंट करवाने का पाकिस्तान में फायदा ही क्या है कि जब आपने जाने ही दूसरे शहरों के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर है, मतलब कि फायदा क्या है चैंपियंस ट्रॉफी का? क्या पाकिस्तान के अंदर आपने अफगानिस्तान और बांग्लादेश को खिलाना है? कि इतनी नफरतें बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है जब तक हमारे हालात सही नहीं होते, जब तक 3C में कम्युनिकेशन नहीं है, जब तक 3C में कल्चर नहीं है, तो 3 उसका जो 3rd C है क्रिकेट, वो भी नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पीसीबी को और पाकिस्तान मीडिया को बाबा जी का ठुल्लू मिल गया है और बीसीसीआई ने अब ये ऑफिशियल कर दिया है और आईसीसी को बोल दिया है कि हमारी गवर्नमेंट हमें ये बोल रही है कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी। जो पाकिस्तान मीडिया इतने दिनों से ये कह रहा था कि ये इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है, अब ये इंडियन गवर्नमेंट के तरफ आ गई है और गवर्नमेंट ने साफ तौर पर मना कर दिया है। तो इसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा चिकन चिल्ली मच रही है। चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। बीसीसीआई ने मना कर दिया और कौन कौन से बोर्ड मना करते हैं? क्यों ये जुमला कह रहा हूं? क्योंकि आईपीएल का इन्फ्लुएंस बहुत है, जितने भी दुनिया के बोर्ड्स हैं ना, आईपीएल से वो बहुत पैसे कमाते हैं। तो वो बोर्ड के जो अभी हमारे मुल्क में खेल के गए, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अब उनके स्टांस क्या होंगे? ये तस्वीरें जो है ना 11 तारीख को पता चल जाएंगी। एवरी डे इज नॉट संडे, तो दुनिया इस तरह नहीं रहेगी। मैंने तो सिर्फ ये देखना कौन कौन से बोर्ड पाकिस्तान के फेवर में बोलेंगे और कौन कौन से बोर्ड आईपीएल के फेवर की वजह से, आईपीएल के प्रेशर की वजह से बीसीसीआई का साथ देंगे। भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही है और ये बात अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। भारतीय बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई हम लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं, और आईसीसी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया है कि भारत ने हमें कह दिया कि हम नहीं आ रहे हैं। यह डेवलपमेंट हो चुकी है। जो कल चेयरमैन पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने इसमें बोला कि मुझे अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया, तो उनको भी आज बता दिया गया कि भारतीय टीम नहीं आ रही है। कल अगरचे चेयरमैन पीसीबी कह रहे थे कि मैं बहुत होपफुल हूं कि टीम इंडिया आएगी आएगी, अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका हुआ है जो, तो बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया है। वो एक थोड़ी सी डेवलपमेंट ये है कि फिर पीसीबी ने आईसीसी को कहा कि हमें रिटर्न में देने के क्या वजह बयान की जा रही है, जो वो जो भी सरकार, भारतीय सरकार अपने बोर्ड को देगी वो आईसीसी को दे देगा। बट अभी तक वर्बली बताया है बीसीसीआई ने आईसीसी को कि भाई हम नहीं आ पाएंगे, बाकी रिटर्न मांगा है आईसीसी ने। और इस बीच में जो चल रहा था कि 11 नवंबर को एक बनेगा, पूरे की पूरी तकरीब होगी जिसमें काउंटडाउन शुरू हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का, वो और शेड्यूल अनाउंस हो सकता था, वो भी अब पोस्टपोन हो गया एक तरह से, क्योंकि अब बीच में इस बात पर आना है कि ये भारत ने कहां मैच खेलने हैं। ये नहीं हो सकता कि भारत नहीं आ रहा तो पाकिस्तान के अंदर जॉब ऐसे, मतलब जिन कहते ना बचपन बच्चों में के मट्टी पाओ खत्म करो, वो नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिएक्ट क्या करना है वो बहुत मच्योरली देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बट अब आईसीसी इस बात पर आएगा कि हुन दसो इंडिया ने मैच कितने होने ने। अगर कोई बोर्ड को उसकी सरकार मना कर दे कि वो फलां देश नहीं जा सकती, तो वो इवेंट कैंसिल नहीं हो सकता, वो इवेंट पोस्टपोन नहीं हो सकता, उस इवेंट को कुछ नहीं हो सकता। तो अगर भारतीय सरकार का वो लेटर बीसीसीआई दिखा देगा आईसीसी को, आईसीसी पीसीबी को दिखा देगा, तो फिर मुद्दा इस बात पर आएगा कि अब मैचेस न्यूट्रल मुकाम पर जो भारत ने खेलने हैं वो कहां पे। तो फिर भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा और जिस चीज को भी भारत के साथ मैचेस खेलने हैं वो दुबई में आकर खेलेगा, ये होगा। अब पाकिस्तान की स्वाब्दीद है कि पाकिस्तान जो अब तक बातें करता आया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब करने का वक्त आ चुका है। कबूतर की तरह आंखें बंद ना कीजिए, अब खोलिए, क्योंकि जिस बात से डर रहे थे, छुप रहे थे, आंखें बंद कर रहे थे, वो हो गया कि भारत ने इनकार कर दिया पाकिस्तान आने में ऑफिशियली। कल चेयरमैन पीसीबी ने, कल की बात है, 24 घंटे नहीं हुए इस बात को, कल उन्होंने बोला कि टेबल के ऊपर हाइब्रिड मोड के ऊपर तो बात ही नहीं होनी,
हम इस बात पर आएंगे ही नहीं कि हमने हाइब्रिड मोड के ऊपर बात करनी है, यानी हाइब्रिड हमारे कंसीडरेशन में नहीं है, ये तो बात ही हमसे ना कीजिए। ये कल चेयरमैन साहब के अल्फाज हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए आप। अब आईसीसी बुलाएगा पीसीबी साहब को कि आइए और बताइए हाइब्रिड मोड के ऊपर बात कहां पे, आप किस जगह पे, आपको भी सूट करता है क्योंकि आप होस्ट हैं कि ट्रैवलिंग आसान रहे दूसरी टीमों की, आपकी टीम ने भी आना है, तो बताइए कहां पे, कोलंबो में, बांग्लादेश में या दुबई में। तो आप पीसीबी क्या करेगा? पीसीबी ये नहीं कह सकता कि नहीं जी हम नहीं मानते, हम नहीं करते। पीसीबी मैक्सिमम ये कर सकता है कि पीसीबी कहे कि ठीक है आपकी मतलब रूल है ना, अकॉर्डिंग टू रूल चलना है, ये बच्चों का खेल नहीं है कि आप जो भी कह लें। अकॉर्डिंग टू रूल एसआईसीसी कर सकता है, अकॉर्डिंग टू रूल बीसीसीआई से इनकार कर सकता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मानना पड़ेगा, ये प्रोफेशनलिज्म है, इसमें ऐसे चलते मामले को रोका नहीं जाता। तो अब क्या करें? अब ये करेंगे कि ठीक है जी भारत के साथ जो हमारा मैच है, मैं ये नहीं कह रहा फॉरफिट करें, बट आपकी बातों से ही अखज किया जा रहा है कि हम ये समझे कि आप पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा, ये हम समझे, ये आपका रिएक्शन ये होगा कि ठीक है आप कराइए न्यूट्रल मुकाम पर, और हमारी भी अब स्टेट पॉलिसी है कि आपके यहां जॉइनमेंट होगा, हम भी खेलने नहीं आएंगे। जिसे बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पाकिस्तान को धकेल दिया गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि भाई अब आप बताइए आपने क्या करना है, एक बंद गली में खड़ा कर दिया पाकिस्तान को। ये बात पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी की है कि जो आप पहले बोल चुके हैं अब आप कर दिखाई, वरना दुनिया फिर आप हंसेगी कि आप कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, और आइंदा वाले आने वाले इवेंट में भी आपके साथ ऐसा ही होना है। मैं बिल्कुल इंडियन फैन से बहस करता था कि नहीं इंडिया पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन हुआ क्या है? देख लिया आपने जो बीसीबी के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आईसीसी को बीसीसीआई की तरफ से नहीं आई और हमें नहीं आई, ले जी कर ले बात, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है, बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया भाई साहब कि इंडिया पाकिस्तान अब सच्ची में नहीं आ रहा। हमें इतने अरसे से बेवकूफ बना के रखा, हम इस उम्मीद में थे कि हम इंडियन टीम को यहां पे देखेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में होगी, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में भी नहीं होनी। अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो फिर यूएई को कोहोस्ट बना दिया जाएगा, ये क्या तरीका हुआ? मोहसिन नकवी साहब ने कहा था जब तक मेरे पास कोई ऑफिशियल रिटर्न लेटर नहीं आएगा मैं क्या कर सकता हूँ, आएगा तो मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा। अब लेटर आने वाला कुछ ही दिनों के अंदर, इसका मतलब ये हो गया कि जब चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई एशिया कप बन गई, हाइब्रिड मॉडल मानोगे नहीं मानोगे तो कोहोस्ट बना देंगे, तो आपको मानना ही पड़ना है, क्योंकि अगर कोहोस्ट यूएई बन गया तो फिर आपको जो पैसा मिलना था चैंपियंस ट्रॉफी से सारा का सारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो पैसे का खेल आ गया बीच में। इसका मतलब यही है कि जो एशिया कप में हमने देखा जिस तरीके से एशिया कप के अंदर भारतीय टीम आने से मना किया, हम लंका गए, हमने अपने मैचेस लंका के अंदर खेले, इवन के श्रीलंका के साथ भी लंका के अंदर खेला, ये हाल हो गया है कि हमें अब इसी तरीके से यूएई जाना पड़ेगा, तो ऐसी इवेंट करवाने का पाकिस्तान में फायदा ही क्या है कि जब आपने जाने ही दूसरे शहरों के अंदर दूसरे मुल्कों के अंदर है, मतलब कि फायदा क्या है चैंपियंस ट्रॉफी का? क्या पाकिस्तान के अंदर आपने अफगानिस्तान और बांग्लादेश को खिलाना है? फायदा क्या हो गया? जो बड़े मैचेस है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वो भी यूएई में होंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वो भी यूएई के अंदर होंगे, सोने पे सुहागा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड भी यूएई में कर देंगे। दुख ये है कि अगर इंडिया यूएई में खेलेगा तो सेमीफाइनल और फाइनल भी यूएई के अंदर होगा, ये सारा का सारा दुख है। लेकिन जो मुद्दे की बात यहाँ नजम सेठी ने की, वो मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि वो इस चीज को मेरे ख्याल से मोहर लगा चुके हैं एज फॉर्मर चेयरमैन। वो तो कहते हैं नहीं जी ये बस फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान को यही 10 मैचेस मिलेंगे, 5 मैचेस बाहर जाएंगे और ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही होगा। हकीकत इस वक्त की ये है कि जब दोनों गवर्नमेंट के बीच में कोई डायलॉग ही नहीं हो रहा तो फिर कैसे ये मान लिया जाए कि ये मामला सॉल्व हो सकता है? ये इम्पॉसिबिलिटी है। लेकिन इवेंचुअली साफ और सीधी सी बात है, आप इसको सिक्योरिटी का नाम दे दें या आप इसको जियो आप इसको इख्तलाफात का नाम दे दें, आप लाइमलाइट का नाम दे दें, बात लुबे लुबाब इतनी सी है कि हमारे जियो पोलिटिकल डिफरेंसेज हैं। जब तक वो जियो पोलिटिकल डिफरेंसेज एड्रेस नहीं होंगे ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। इस बात की उम्मीद लगाना भी मेरे ख्याल से एक बेवकूफ़ी है कि बीसीसीआई या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ का हल भी निकाल सकते हैं कि इतनी नफरतें बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। जब तक हमारे हालात सही नहीं होते, जब तक 3C में कम्युनिकेशन नहीं है, जब तक 3C में कल्चर नहीं है, तो 3 उसका जो 3rd C है क्रिकेट, वो भी नहीं होना चाहिए। चाहे इंडिया पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान इंडिया में हो, या इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में हो, या इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड में हो, या इंडिया पाकिस्तान न्यूयॉर्क में हो, देयर शुडंट बी द 3rd C एक्टिवेटेड एज वेल। ये मसला तभी सॉल्व हो सकता है, तभी अगर जब इंडिया पाकिस्तान नहीं आता और उनके सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, फिर कल को अगर पाकिस्तान यही काम करता है तो फिर मेरे ख्याल से किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों तरफ स्टेक होल्डर्स हैं, दोनों ने अपनी आवाम को कुछ ना कुछ तो देना है। आईसीसी के पास क्या वो ताकत है कि वो दूरियां मिटा सके, जो कि दूरियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं, जो कि देखिए पाकिस्तान ने अपनी टीम 2023 में भेजी थी सिर्फ ये समझ के कि जब हमारी बारी 2025 में आएगी तो शायद ये बातें नहीं होंगी, लेकिन वो बातें हो रही हैं। सो हकीकत इतनी सी है कि उन बातों को मिट्टी की अंडर तो नहीं डाला जा सकता ना। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे बासित अली समेत पूरी पाकिस्तान मीडिया में रोना धोना मचा है, बासित अली तो ये कहने पर मजबूर हो गया है कि ये सब आईपीएल के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, और मतलब आईपीएल के इन्फ्लुएंस मतलब अब भारत जब मना करेगा तो और बोर्ड भी मना करने लगेंगे, क्योंकि भारत आईपीएल जो बोर्ड खेलता है, आईपीएल के प्लेयर जो बोर्ड में प्लेयर जो खेलते हैं आईपीएल में आकर,
उनके बोर्ड को 10% कमीशन भी मिलता है, तो इसीलिए भारत जहां कहेगा वही खेलेंगे। तो ये तो चैंपियंस ट्रॉफी पूरा का पूरा फ्लॉप हो जाएगा अगर ऐसे ही हुआ। तो ये हाइब्रिड मॉडल में होगा, अगर हाइब्रिड मॉडल में काफी सारे बोर्ड्स मना कर दिए तो पूरा का पूरा ये यूएई शिफ्ट हो सकता है, मतलब दुबई शिफ्ट हो सकता है। तो पाकिस्तान सो हार गया, और जो बड़ी बड़ी बड़के कल मार रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी, मास्क लगाकर जैसे कोई मतलब बहुत बड़ी आदमी है, इसको इन्फेक्शन हो जा रहा है लोगों से, तो ये कह रहा था कि भाई नहीं हम ये कर देंगे, हमें तो हाइब्रिड मॉडल मंजूर ही नहीं है, हम तो बात ही नहीं, तो बीसीसीआई से तो भाई बीसीसीआई से क्या बात करनी है, भारतीय गवर्नमेंट ही बोल दिया तुझे कि नहीं जाएगा हमारी टीम, अब उखाड़ लो जो उखाड़ना है। अब पूरे तौर से आईसीसी भी झुकेगा बीसीसीआई के सामने, और पीसीबी तो आईसीसी के आगे लेट जाता है कुछ चंद पैसों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।